हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में जिसमें हम डेली करंट अफेयर्स के 10 सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन और उनके आंसर जानते हैं। और यह क्वेश्चन द हिंदू न्यूज़पेपर, PIB, राज्यसभा TV और आकाशवाणी जैसे महत्वपूर्ण न्यूज़पेपर और न्यूज चैनल से लिए जाते हैं, जो कि किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आज है 6 सितंबर 2018, तो चलिए देखते हैं आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन और उनके आंसर। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वह है, भारत सरकार ने इंग्लैंड में भागीदारी के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजन के लिए पहले वित्तीय सहायता प्रदान की है। तो इसकी जो इसके ऑप्शन है, पुल, घुड़सवार, कबड्डी, खो खो। तो इसका आंसर है खो खो। जी हाँ दोस्तों, भारत सरकार ने इंग्लैंड में जो अभी खेल आयोजन होने वाला है उसमें खेल के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त की है, वह खेल है खो खो। तो इसकी हम बैकग्राउंड में न्यूज देखेंगे, इन्फॉर्मेशन जानेंगे। केंद्रीय मामलों और खेल राज्य मंत्री IC कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने सरकार से वित्तीय सहायता के साथ 1 से 4 सितंबर 2018 तक इंग्लैंड में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप में भारत से खो खो टीम की भागीदारी को मंजूरी दे दी है। भारत GOI एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम में खो खो टीम की भागीदारी के लिए वित्तीय सहायता मंत्रालय के मौजूदा दिशा निर्देशों में छूट के लिए पहली बार मंजूरी दे दी गई है। अन्य बातों के अलावा खो खो जैसे खेल विषयों को छोड़कर जिसे अन्य के रूप में वर्गीकृत किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों में भागीदारी के लिए वित्तीय सहायता के लिए योग्य नहीं होंगे। भारत के खो खो फेडरेशन को वित्तीय सहायता प्रदान करने का निर्णय न केवल इस पारंपरिक भारतीय खेल और खिलाड़ियों को भरने के लिए बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने भविष्य के मुख्य धारा के लिए रास्ता तय करने और इसके संभावित समावेशों के लिए मार्ग प्रशस्त करने के लिए किया गया है। एशियाई खेलों, राष्ट्रमंडल खेलों, ओलंपिक आदि जैसे बहु अनुशासित खेलों के आयोजन के लिए इसका निर्धारण किया गया है। तो इसके और आप लोग यहाँ पर युवा मामले और खेल मंत्रालय के बारे में जान सकते हैं, इनका क्षेत्राधिकार कहाँ है, भारत की स्वतंत्रता मुख्यालय कहाँ है। मुख्यालय है इनका शास्त्री भवन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रोड, नई दिल्ली। वार्षिक बजट आप देख सकते हैं इनका इतना है, जो कि काफ़ी अच्छा है। मंत्री जिम्मेदार कौन है, राज्यवर्धन सिंह राठौर राज्य मंत्री हैं, जो कि स्वतंत्र प्रभार हैं। और एजेंसी के साथ अधिकारी अमरेंद्र कुमार दुबे IAS, युवा मामलों के सचिव राहुल भटनागर IAS, खेल सचिव वाल एजेंसी भारतीय खेल प्राधिकरण। तो आप इनके बारे में ही याद रख सकते हैं क्योंकि इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखते हैं हम अब अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, बहुउद्देशीय सुनामी मॉक व्यायाम ड्रिल IO Wave 18 निम्नलिखित महासागरों में से शुरू हुआ है। तो ए है हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, दक्षिण अटलांटिक महासागर। तो आप देख सकते हैं हिंद महासागर है और इसकी आपको मैं लोकेशन भी दिखाता हूँ कहाँ। तो ये रहा हमारा इंडिया ग्लोब में, और ये रहा इंडियन ओशन, इसकी बात हुई है। ये रहा साउथ अटलांटिक ओशन, नॉर्थ अटलांटिक ओशन, और नीचे ही क्या है, अंटार्कटिका है। इस तरफ जाएंगे हम तो हमें क्या मिलेगा, नॉर्थ पैसिफिक ओशन, इस तरफ मिलेगा हमें साउथ पैसिफिक ओशन। तो आपको ये मैंने सभी दिखा दिए, और ऊपर मिलेगा हमें आर्कटिक ओशन। तो आपको मैंने पांचों समुद्री एरिया दिखा दिए और उनके नाम भी बता दिए, जो कि हमारे 5 महासागर हैं। तो इनमें से 4 हमारे ऑप्शन में थे, जिसका हमने आंसर भी देखा। तो आप उनकी लोकेशन याद रख सकते हैं मैप के थ्रू। तो आंसर है हमारा हिंद महासागर। और इसकी जो बैकग्राउंड में न्यूज है वह है, प्रमुख भारतीय महासागर व्यापक सुनामी मॉक अभ्यास ड्रिल IO Wave 18 4 सितंबर से शुरू हुआ है, जिसे यूनेस्को के अंतर सरकारी महासागर आयोग IOC द्वारा आयोजित किया जा रहा है। 2 दिवसीय व्यायाम का उद्देश्य सुनामी तैयारी में वृद्धि करना है, प्रत्येक राज्य में प्रतिक्रिया क्षमताओं का मूल्यांकन करना और पूरे क्षेत्र में समन्वय
में सुधार करना है। यह समुदाय स्तर पर सुनामी तैयारी भी बढ़ाएगा। आईओ वेव 18 अभ्यास सुनामी चेतावनी की स्थिति में हिंद महासागर देशों को अनुकरण करेगा और राष्ट्रीय सुनामी चेतावनी केंद्र NTWC यानी भारत के मामले में INCOIS और राष्ट्रीय स्थानीय आपदा प्रबंधन कार्यकालों NDMO LDMO को लागू करने के लिए आवश्यक है। मानक ऑपरेटिंग प्रक्रियाएं MOP 23 अन्य राष्ट्रों के साथ 23 अन्य राष्ट्रों के साथ भारत सुनामी मॉक अभ्यास में भाग ले रहा है, जिसमें आधा दर्जन राज्यों में तटीय क्षेत्रों के हजारों लोगों को निकाला जाएगा। दोस्तों, जो अभी सुनामी वगैरह आ जाती है, जैसे कि आपने 2004 में देखा होगा, जापान में भी सुनामी आई थी, वहां पर भी आपने देखा होगा, तो उससे बचने की तैयारी किस तरह से कर सकते हैं, उसी से संबंधित है। तो इस तरह की जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं उनसे बचने की तैयारी का अभ्यास करने की तैयारी की जा रही है। और आप अंतर सरकारी महासागर आयोग के बारे में ही जान सकते हैं, जिसका मुख्यालय 19 से 27 अक्टूबर के बीच में 1961 तक मिली। स्थापना कब की गई थी? 1960 में की गई थी। इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है, इसकी इन्फॉर्मेशन इतनी ही मिल पाई, तो आप इसके बारे में भी याद रख सकते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, तीसरा, वह है 2020 टोक्यो ओलंपिक के लिए कोटा स्थानों को सुरक्षित करने के लिए इनमें से कौन सा भारतीय निशानेबाजों का पहला सेट बन गया है? ए है अपूर्वी चंदेला और रवि कुमार, हीना सिद्धू और श्रेयसी सेन, अंजुम मौदगिल और अपूर्वी चंदेला, अनिस सैयद और रही सरनोबत। आंसर है सी, अंजुम मौदगिल और पूर्वी चंदेला। जी हाँ दोस्तों, 2020 में जो टोक्यो में ओलंपिक होने वाले हैं, टोक्यो किसकी कैपिटल है? जापान की। आपको मैं दिखाता हूँ, इसमें ये रहा हमारा इंडिया और इसकी इस तरफ जाएंगे ईस्ट तरफ, ये रहा जापान। आप देख सकते हैं, जूम करके भी दिखाता हूँ मैं आपको, तो ये रहा जापान और ये रहा टोक्यो, जो जैसा कि आपको दिख रहा होगा इसके आसपास का एरिया देख सकते हैं, ये रहा नॉर्थ कोरिया, ये रहा साउथ कोरिया और यहाँ पर है ये चाइना जो कि हमारे जस्ट ऊपर है, ताइवान है, ईस्ट चाइना सी, येलो सी ऑफ जापान। तो इस तरह से आप इसकी लोकेशन भी याद रख सकते हैं मैप के थ्रू, जो कि आपको किसी भी एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं और इंडिया के कंपेरिजन में भी इसको कंपेयर कर सकते हैं, यहाँ से इस तरफ जाना है, ये रहा इंडिया, नेपाल, चाइना, साउथ कोरिया, जापान। तो अब चलते हैं हमारे आर्टिकल की तरफ। जो 2020 टोक्यो में ओलंपिक के लिए कोटा स्थानों को सुरक्षित करने के लिए अंजुम मौदगिल और अपूर्वा चंदेला भारतीय निशानेबाजों का पहला सेट बन गया है। मौदगिल ने पोडियम पर दूसरा स्थान हासिल किया और 3 सितंबर को दक्षिण कोरिया के चंगवॉन में आईएएसएसएफ की विश्व चैंपियनशिप 2018 की महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में एक रजत जीता। चंदेला इसी आयोजन में चौथे स्थान पर रहे। यह आईएसएसएफ का प्रमुख टूर्नामेंट है और यह महत्वपूर्ण मान्यता है क्योंकि यह टोक्यो खेलों के लिए पहला ओलंपिक कोटा कार्यक्रम है जो 15 कार्यक्रमों में से 60 बर्थों की पेशकश करता है। हालांकि कहा यह गया है कि 2 निशानेबाजों ने कोटा सुरक्षित कर लिया है, लेकिन कहा गया है कि राष्ट्रीय राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया NRAI चयन पर अंतिम कॉल करेगा। यह ओलंपिक खेलों की अगुवाई वाले निशानेबाजों के कुल स्कोर पर आधारित होगा। तो आप यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के बारे में जान सकते हैं, इसका गठन कब किया गया था? 23 जून 1894 में और लगभग 124 साल पहले। प्रकार क्या है? खेल संघ। मुख्यालय सदस्य लुसाने स्विट्जरलैंड में है। आपको मैं स्विट्जरलैंड की भी लोकेशन दिखाता हूँ। आप इस तरफ जाएंगे, वेस्ट तरफ, इंडिया रहा, इंडिया से वेस्ट तरफ जाएंगे तो इस तरफ, यहाँ पर मैं जूम करके बताता हूँ आपको, तो हमने जूम किया, जर्मनी यहाँ पर, पोलैंड, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड, थोड़ा सा और जूम करना पड़ेगा क्योंकि स्विट्जरलैंड दिख नहीं रहा, ये रहा स्विट्जरलैंड। तो इसका मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। चलते हैं हम अपने आर्टिकल की तरफ। और तो इसमें कुल कितने सदस्य हैं? 105 सक्रिय सदस्य हैं, 32 मानद सदस्य हैं, 2 सम्मान सदस्य हैं, सेनेगल और संयुक्त राज्य।
आधिकारिक भाषा कौन कौन सी है? एक तो फ्रेंच है, संदर्भ भाषा है, अंग्रेजी है, और जो मेजबान देश होंगे उनकी भाषा होगी। मानद राष्ट्रपति कौन है? जैक्स रोजगे। अध्यक्ष कौन है? थॉमस वॉच। उपराष्ट्रपति गण कौन कौन से? यू जैकिन, एच समरंज। तो इतना सब आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए गठन कब हुआ था, कितने सदस्य हैं, और ये ओलंपिक पहले लास्ट टाइम कहाँ हुए थे, और अब 2020 में तो आपको बता ही दिया है जापान टोक्यो में होने वाले हैं। तो आपको पता, आप एक क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा कि लास्ट टाइम जो ओलंपिक हुए थे वह कहाँ हुए थे, किस देश में हुए थे। तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हमारा, एक सेकेंड, ये रहा चौथा क्वेश्चन। भारत ने हाल ही में समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं जिसके साथ मनी लॉन्ड्रिंग और पर्यावरण का मुकाबला करने के लिए यूरोपीय देश है। कौन से देश के साथ की है? ए क्रोशिया, साइप्रस, पोलैंड, चेक गणराज। तो हमारा आंसर बी है, साइप्रस। मैं आपको साइप्रस की लोकेशन भी दिखाता हूँ दोस्तों, मैं इसलिए यह दिखा रहा हूँ कि क्योंकि आपको मैप भी याद हो जाएगा साथ साथ में, तो आपको किसी भी एग्जाम के लिए सहायता हो जाएगी, जिससे आप आपके दिमाग में वो जगह घूमती रहनी चाहिए कि कहाँ होती है, नाम पढ़ते ही आपको वो उसकी लोकेशन याद आ जाए। देख सकते हैं दोस्तों, ये रहा हमारा इंडिया। इस तरफ जाएंगे हम तो इस तरफ पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, सीरिया, टर्की। तो यहाँ पर एक द्वीप है जिसमें मैं आप जूम करके देख सकते हैं, टर्की के नीचे देखिएगा, ये रहा साइप्रस, और इसकी कैपिटल कौन सा क्या है? निकोसिया। और साथ में आप याद रख सकते हैं यहाँ पर इसराइल, ये भी काफ़ी न्यूज़ में रहता है, जॉर्डन, लेबिनन, जेरूसलम भी देख सकते हो किस कहाँ पर है, मेडिटेरियन सी में है, जो कि यहाँ से आपको दिख रहा हो। तो इस तरह से आप लोकेशन याद रख सकते हैं कि किस एरिया की बात की जा रही है। इंडिया के कंपेरिजन में कंपेयर करें तो ये रहा इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इराक, सीरिया, लेबिनन और साइप्रस। तो कैपिटल भी आप याद रख सकते हैं। चलते हैं हमारे क्वेश्चन के आर्टिकल की तरफ, तो आंसर आपको मिल ही गया और बैकग्राउंड में हम इसकी न्यूज़ देखेंगे। तो 3 सितंबर को भारत और साइप्रस ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और निकोसिया में उनके साइप्रस समकक्ष निकोस अनास्थासीडस की उपस्थिति में पर्यावरण के क्षेत्र में मनी लॉन्ड्रिंग और सहयोग के मुकाबले 2 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। दोनों देशों ने 2016 में किए गए डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट डीटीए में संशोधन के लिए भी सहमति व्यक्त की, ताकि निवेश पार प्रवाह को सुविधाजनक बनाने के लिए, संस्थागत ढांचे को सुदृढ़ करके बढ़ाने के लिए निवेश साझेदारी को और बढ़ाया जा सके। इसके अलावा साइप्रस ने परमाणु प्रदायक समूह NSG और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC की सदस्यता के लिए भारत को अपना समर्थन भी दोहराया। श्री कोविंद यूरोपीय देशों के साथ भारत के उच्च स्तरीय कार्यक्रम को जारी रखने के लिए यूरोप की 3 देशों की यात्रा के पहले चरण में साइप्रस में हैं। तो आपको मैंने लोकेशन बता ही दी, आपको आर्टिकल भी बता दिया, तो आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि अभी कहाँ हैं और किस मुद्दे पर बात चल रही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है 5वां क्वेश्चन, और हमारा क्वेश्चन है, अमेरिकी शोधकर्ताओं ने एक पहनने योग्य उपकरण विकसित करने के लिए किस घटना का उपयोग किया था जो चलने या जॉगिंग करते समय हाथ की स्विंग से ऊर्जा उत्पन्न कर सकता है। तो हमारा इसका पहला ऑप्शन है फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव, पेन प्रभाव, पाइजो इलेक्ट्रिक प्रभाव, ध्रुवीय प्रभाव। तो इसका आंसर है पाइजो इलेक्ट्रिक प्रभाव। इसकी बैकग्राउंड में हम न्यूज देखते हैं, अमेरिका, आप याद रख सकते हैं कहाँ हुआ था, अमेरिका, अमेरिकी शोधकर्ताओं ने एक पहनने योग्य उपकरण विकसित किया है जो चलने या जॉगिंग करते समय हाथ की स्विंग से ऊर्जा उत्पन्न कर सकता है। उपकरण का नाम रिस्ट वॉच है, आप देख सकते हैं इस वॉच की बात की जा रही है, और इसका किस प्रभाव पर आधारित है, पाइजो इलेक्ट्रिक प्रभाव। और यहाँ पर देख सकते हैं कहाँ से, किस यूनिवर्सिटी से निकल के आया है, पेंसिलवेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी के मटेरियलिस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट और यूटा विश्वविद्यालय से निकल के आया है। तो आप इसका नाम याद रख सकते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की, तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है वह है नंबर छठवां क्वेश्चन है, एलिस्टर कुक, जिन्होंने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की,
किस देश से जुड़े हुए हैं, तो जो एलेस्टर कुक हैं वो किस देश से क्रिकेट खेलते हैं, तो ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड। तो हमारा आंसर है डी, इंग्लैंड। तो आप थोड़ा सा इनके बारे में जान सकते हैं, ये है एलेस्टर कुक जो कि इंग्लैंड के कप्तान, पूर्व कप्तान थे। एलेस्टर कुक जो कि टेस्ट क्रिकेट में देश के इंग्लैंड के सबसे ज्यादा रन बनाने वाले कप्तान है, वह 7 सितंबर को ओवल में भारत के खिलाफ 5वें और अंतिम मैच के बाद, जो कि टेस्ट क्रिकेट चल रहे हैं अभी, उसके अंतिम मैच के बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से रिटायर होंगे। अब तक उन्होंने 44.88 की औसत से 12,254 रन बनाए हैं, 160 टेस्ट में 32 शतक और 56 अर्धशतक के साथ 2011 की श्रृंखला के दौरान बर्मिंघम में 294 का उनका उच्च टेस्ट स्कोर भारत के खिलाफ आया था। तो आप इनके बारे में जान सकते हो, और यहाँ पर भी इनके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन दी है, इसको आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। तो आप इनका नाम याद रख सकते हैं क्योंकि अभी ये रिटायर होने वाले हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 7वां है, भारत किस शहर में अपनी पहली FIB 3x3 वर्ल्ड टूर मास्टर इवेंट होस्ट कर रहा है, तो ऑप्शन है नई दिल्ली, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई। तो आंसर है हैदराबाद। तो इसकी बैकग्राउंड में न्यूज देख सकते हैं आप, भारत हैदराबाद में अपना पहला आधिकारिक FIBA 3x3 वर्ल्ड टूर मास्टर 2018 आयोजित करेगा, जो 22 सितंबर से होने वाला है। यह दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित बास्केटबॉल टूर्नामेंटों में से एक है। हैदराबाद मास्टर अग्रणी अंतर्राष्ट्रीय 3x3 टीमों और शीर्ष दो भारतीय 3BL टीमों, दिल्ली 3BL और बेंगलोर 3BL से भागीदारी देखेंगे। भारतीय टीमों के लिए योग्यता का निर्णय 3x3 प्रो बास्केटबॉल लीग 3BL के उद्घाटन सत्र के परिणामों के आधार पर किया गया था, जो 9 जून से 26 अगस्त तक भारत के 6 शहरों में आयोजित किया गया था। हैदराबाद मास्टर FIBA 3x3 वर्ल्ड टूर का 7वां चरण है और पहली बार भारत में अंतर्राष्ट्रीय 3x3 बास्केटबॉल टूर्नामेंट खेला जा रहा है। भाग लेने वाली टीम 27-28 अक्टूबर को फीबा 3x3 वर्ल्ड टूर ब्लू मेज बीजिंग फाइनल के लिए अर्हता प्राप्त करने का मौका पाने के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे। तो दोस्तों, एग्जाम के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि यह पहली बार इंडिया में हो रहा है, तो इसके बारे में आप याद रख सकते हैं, आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है आठवां क्वेश्चन है, भारत सरकार GOI ने देश भर में कुपोषण के खिलाफ लड़ाई को चिन्हित करने के लिए देश भर में राष्ट्रीय पोषण माह NNM के रूप में कौन सा महीना देखने का फैसला किया है। ऑप्शन ए है अक्टूबर, दिसंबर, सितंबर, अगस्त। तो अभी सितंबर का महीना चल रहा है, तो सितंबर माह को पोषण माह के रूप में सिलेक्ट किया गया है। तो इसकी हम बैकग्राउंड में न्यूज देखेंगे, और इसकी थीम भी याद रखना दोस्तों, थीम भी पूछी जाती है, इसका विषय क्या था, गो फर्दर विद फूड, इसकी ये थीम है, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाती है, किसी भी एग्जाम में पूछी जा सकती है क्योंकि थीम भी पूछी ली जाती है। कुपोषण के खिलाफ लड़ाई को चिन्हित करने के लिए भारत सरकार जो GOI देश भर में राष्ट्रीय पोषण माह NNM के रूप में सितंबर का निरीक्षण करेगी। इस महीने के दौरान महिलाओं और बाल विकास WCD मंत्रालय ने बच्चों में स्टिंग अंडर पोषण, एनीमिया और कम जन्म वजन जैसे कुपोषण से जुड़े मुद्दों पर व्यापक जागरूकता फैलाने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए हैं। पोषण महीना स्वास्थ्य क्षेत्र में प्रचलित कमी को खत्म करने के लिए किशोर अवस्था की लड़कियों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं पर भी ध्यान केंद्रित करेगा। 2022 तक 0 से 6 साल के आयु वर्ग में बच्चों की रोकथाम को 38% से 25% तक कम करने के उद्देश्य से हर साल NNM मनाया जाएगा। पोषण अभियान राष्ट्रीय पोषण मिशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया था। 2018 अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस IWD पर झुंझुनू राजस्थान में, तो आप इसके बारे में दोस्तों याद रख सकते हैं, और ये हमारा सस्टेनेबल गोल में से एक है, जिसके बारे में मैंने जो द हिंदू वाला न्यूज़पेपर की वीडियो आती है ना,
उसमें भी डिस्कस किया था, तो आप उसको भी जाकर देख सकते हैं। और हमारा अगला क्वेश्चन है 9वां, अंतर्राष्ट्रीय महिला उद्यमी शिखर सम्मेलन IWES 2018 के लिए कौन सा देश मेजबान है? तो हमारा ए है नेपाल, भारत, भूटान, श्रीलंका। तो आंसर है हमारा नेपाल। इसकी हम बैकग्राउंड में भी न्यूज़ देखेंगे क्या है, हमारी जो बैकग्राउंड में न्यूज़ है वो है नेपाल 3 सितंबर से आर्थिक सशक्तिकरण के साथ समानता विषय के साथ काठमांडू में अंतर्राष्ट्रीय महिला उद्यमी शिखर सम्मेलन IWES 2018 की मेजबानी कर रहा है। 3 दिवसीय शिखर सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य प्राप्तकर्ताओं, महिलाओं के व्यापार के नेताओं, पेशेवरों, अंतर्राष्ट्रीय सेवा को एक साथ लाने का है। प्रदाताओं, संसाधन संगठनों, विशेषज्ञों, सरकारी प्रतिनिधियों और अन्य हितधारकों के साथ चर्चा और सहयोग के माध्यम से अभिनव आर्थिक परिवर्तन पर ध्यान केंद्रित किया। सार्क, आसियान, यूरोपियन संघ, अफ्रीका, अरब देशों और चीन के प्रतिनिधियों ने शिखर सम्मेलन में भाग लिया। कार्यक्रम दक्षिण एशियाई महिला विकास फोरम SAWDF द्वारा आयोजित किया गया है। तो दोस्तों आपको इसके बारे में हल्का सा आइडिया होना चाहिए। और नेपाल की इसमें राजधानी है वो काठमांडू के बारे में जिक्र किया गया, जो कि आपको पता होना चाहिए क्योंकि हमारा पड़ोसी देश है, बगल में ही है, तो इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। चलते हैं अगला क्वेश्चन जो कि हमारा आखिरी क्वेश्चन है, संयुक्त सैन्य अभ्यास रैपिड ट्राइडेंट 2018। तो आप इसका नाम याद रख सकते हैं, क्या है रैपिड ट्राइडेंट 2018, किस देश में शुरू हुआ है? ए है ऑप्शन रूस, बी है यूक्रेन, सी चीन, डी मंगोलिया। तो आंसर है हमारा यूक्रेन। इसको हम मैप में भी देख लेते हैं एक बार, ये रहा हमारा इंडिया और हम फिर इसको जूम हटा के थोड़ा सा इस तरफ चलेंगे यूरोप में, तो यूरोप में आप देख सकते हैं ये रहा यूक्रेन, इसको थोड़ा सा और जूम कर लेंगे तो ये रहा बेलारूस, रोमानिया, मालडोविया, ब्लैक सी है इधर, ब्लैक सी से कनेक्टेड है और रशिया से भी इस तरफ से कनेक्टेड है, ये रहा मॉस्को, रशिया की कैपिटल, तो इसको आप याद रख सकते हैं। तो हमारा जो आर्टिकल है इसके हम बैकग्राउंड में चलेंगे अब, जो कि है यहाँ पर संयुक्त सैन्य अभ्यास रैपिड ट्राइडेंट 2018 पश्चिमी यूक्रेन गांव स्टेरीची में शुरू हुआ है, जो 2 सितंबर से 15 सितंबर तक जारी रहेगा। यह यूक्रेन द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य नाटो देशों की एक श्रृंखला के रूप में है शुरू किया गया था, क्योंकि रूस के साथ तनाव बढ़ रहा है। देश के पूर्व में क्रेमलिन समर्थित विद्रोह पर अभ्यास का उद्देश्य हाइब्रिड युद्ध की स्थितियों में सशस्त्र आक्रामकता का सामना करना है। यह अभ्यास एक बहुराष्ट्रीय ब्रिगेड स्तर कंप्यूटर समर्थित कमांड पोस्ट अभ्यास से बना है, यानी एक बटालियन स्तर क्षेत्र प्रशिक्षण अभ्यास और एक प्लेटून स्तरीय स्थितिमिक प्रशिक्षण अभ्यास के साथ एकीकृत है। रैपिड ट्राइडेंट 2018 देश के पूर्व में और चीन और मंगोलिया की भागीदारी के साथ शीत युद्ध के बाद रूस का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास वोस्टोक 2018 रखने से एक हफ्ते पहले शुरू हुआ था। अभ्यास में भाग लेने वाले 14 देशों के लगभग 2200 सैनिक भाग ले रहे हैं। तो आप इसको भी याद रख सकते हैं क्योंकि ये इंटरनेशनल न्यूज बन जाती है, 2 देशों के बीच में है, रशिया भी इसमें इंक्लूडेड है, तो आप इसको भी याद रख सकते हैं। तो ये थे हमारे आज के 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आपको किसी भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अच्छा नहीं लगा है तो कमेंट करके बताएं और इसे शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप और बेल आइकन को भी दबाएं। जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको इसका नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। और इस वीडियो की PDF हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर दी जाती है, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप वहां जाकर तो हम इस वीडियो की PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके साथ ही हमारा द हिंदू न्यूज़पेपर का हिंदी एनालिसिस भी आता है, तो आप उसको भी देख सकते हैं और उसकी भी PDF आपको प्रोवाइड करा दी जाती है टेलीग्राम ग्रुप पे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो, शुभ हो।